लाभुंग एरिया टी गार्डन का दर्शन आप लोग करा रहे हैं। देख सकते हैं कि कुहासा धीरे धीरे स्थान को ढकता जा रहा है। ये टी गार्डन है, पूरा ऐसे ही कुहासा मौसम रहता है हमेशा। अभी तुरंत चेंज हो जाएगा, देखने ये कुहासा भी नजर आ रहा है, बाद में घर सब सब नजर आएगा, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। पूरा टी गार्डन है, ये पूरा वैली है। अभी तो लेकिन हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले पूरा साफ दिख रहा था, बहुत साफ दिखता है, लेकिन तुरंत अभी चेंज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, उसके बाद तुरंत खाली हो जाएगा। थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा तब तक। वेट करते हैं थोड़ा। तो मिस्ट वेदर देखा ना? हाँ, अभी थोड़ा देर पहले पूरा मिस्ट वेदर था। अभी तुरंत देख पूरा चेंज हो रहा है, इधर चारों पूरा मिस्ट ही है। ये बहुत ही, लेकिन इधर देख रहे हैं तो उधर धूप आ गया है ना, धूप उधर में। अरे ये दार्जिलिंग का वेदर है ना, बहुत ही चेंज होते रहता है तुरंत। अभी कुहासा नजर आएगा थोड़ी देर में, कुहासा नजर आएगा। और यहाँ का टी गार्डन का टी हाईली डिमांडेड, क्योंकि यह ऑर्गेनिक वाला है ना, ऑर्गेनिक वाला है, पेस्टिसाइड है, उर्वरक सब नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत ही हाई लेवल का टी है। वही तो रासायनिक खाद यूज करके हम लोग तो हालत खराब हो गया। हम लोग जो चाय पीते हैं वो तो हम तो चाहिए डस्ट हम लोग पीते हैं, जो ओरिजिनल टी है वो बाहर चला जाता है, बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। हाँ, देख लो टी गार्डन बहुत ही अच्छा है, वैली है एकदम पूरा। अभी देखो तुरंत वेदर चेंज हो गया, अभी घर तक सब नजर आ रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा था। अभी तो बड़ी मिस्ट था थोड़ी देर, अभी तुरंत चेंज हो गया। और अभी देखो वो घर सब भी नजर आ रहा है, घर सब भी नजर आ रहा है। और दूसरा तरफ मिस्ट है देखो पूरा, उधर मिस्ट है, उधर ही से आ रहा कुहासा। उधर थोड़ा सा हम लोग इंतजार करेंगे तो हम लोग को भी ढक लेंगे मिस्ट, फिर दिखाई भी नहीं देंगे, हम लोग भी दिखाई नहीं देंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, अभी तक तो सही है, सब दिख रहे हैं, आमने सामने वाले लोग भी दिख रहे हैं। लेकिन आ रहा है, तो यहाँ का वेदर ऐसे ही है। अभी यहाँ पर हम लोग देख के चलते हैं। बिशप हाउस जाते हैं थोड़ा, वहाँ से नरी भी है, वहाँ पर घूम लेंगे, चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद वहाँ का फादर से पूछेंगे कहाँ कहाँ जाना है ना। बोल रहा था संजय, फादर है बिशप हाउस में, एटीआई में ब्रदर लोग रहते हैं वहाँ। हाँ, वहाँ जाओ, चलो तो वहीं चलते हैं। और चलो चलो ठीक है। दार्जिलिंग का बिशप हाउस में पहुँचे हुए हैं। बादल आ जाने की वजह से हम लोग कंचनजंगा का क्लियर व्यू नहीं देख सके, लेकिन थोड़ा सा उसका एक टुकड़ा तो देख सके, उतना ही सेटिस्फैक्शन होकर हम जा रहे हैं। आशा करते हैं कि अगले बार जब आएंगे तो 5 बजे सुबह में जाकर के दर्शन करेंगे। स्टीम इंजन पानी भर रहा है इसमें। कोई ट्रेन चलती है, वास्प इंजन भी है, डीजल इंजन भी। बता सिलुप का पूरा दृश्य आपको दिखा रहा है। वार मेमोरियल, वो टॉय ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं। आई लव दार्जिलिंग, देख सकते हैं टॉय ट्रेन, ये स्लोली पूरे दार्जिलिंग का आपको दर्शन कराएगी। ये यहाँ पर घूमेगी इस बतासी लूप में। ये पुनः इधर आएगी और यहाँ से होके गुजरेगी। कोयला का इंजन है।
दार्जिलिंग से सोनाड़ा आते आते आप देख सकते हैं मौसम में कितना फर्क आ गया है। यहाँ का मौसम बारंबार बदलता रहता है, पूरे धूप होगी, सुबह अगर बारिश होगी तो 12 बजे तक धूप आएगी या तो मिस्ट आएगी। और इस तरह से हम देख सकते हैं पूरा एरिया जो है सुबह का बदल गया मिस्ट से। कॉलेज सोनाडा।